Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम डोसे का लोशन हम लोशन आज बताने वाले हैं आपको. तो स्क्रैच से बताएंगे. ये हमने 3 कप चावल लिए हैं और 1 कप वाइट दाल ली है. उन दोनों को मिक्स करके हमने रात को अच्छे से धोकर 3-4 पानी हमने धोना है उसको, और उसके बाद ज़्यादा पानी में उसको भिगो कर रखना है क्योंकि ये फूल जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पानी रखना होगा. तो ये मॉर्निंग में हमें कुछ इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा. ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भिगा हुआ चावल और दाल है. तो मॉर्निंग में हमें इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा और मॉर्निंग में हमें इसको फिर एक बार अच्छे से धोना है और 2-3 बार धोकर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे. तो इसको हमें अगर डोसा बनाना है तो हमें बहुत बारीक ग्राइंड करना होगा, लेकिन अगर हमें इडली बनानी है तो हमें थोड़ा दरदरा इसको रखना होगा. तो चलिए, अभी हम डोसे का लोशन बना रहे हैं इसलिए इसको बारीक पीसेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्राइंड कर लिया है और ये डोसे का लोशन हमने तैयार किया है और ये बिल्कुल बारीक पीसा है. और जितना बारीक पीसेंगे उतना हमारा क्रिस्पी और ये ढोकला बनाना है तो हमें थोड़ा सा दरदरा रखना होगा. तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, हल्का दानेदार है. तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा मोटा रखना होगा तो हमारे इडली बहुत अच्छी बनेगी और ढोकला भी बहुत अच्छा बनेगा. और हमने जो डोसा बनाएंगे तो उसमें हम पौवा भी ऐड कर सकते हैं जब हम ग्राइंड करेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमें 3:1 जो है वो प्रोपोर्शन याद रखना है. 3 चावल का लेना है और 1 वाइट उड़द की दाल का लेना है और उसको रात को भिगोकर मॉर्निंग में पीस लेना है अच्छे से धोकर, और उसे बारीक पीसना है और हमें इडली. तो फ्रेंड, मॉर्निंग में पीस जाने के बाद हमें फिर से 6-8 घंटे इसको ढककर रखना होगा ताकि इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और हमारे डोसे जो है वो पोर्स वाले और क्रिस्पी बने.